देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। एससी एसटी बिल के विरोध में सवर्ण समाज अब खुलकर सामने आ गया है। इस एक्ट के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान भी किया गया। सिद्धार्थनगर जिले में भी सवर्ण अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जुलूस प्रदर्शन निकाल कर इस बिल पर विरोध जताया। सुप्रीम कोर्ट का एक दिशा निर्देश था एससी एसटी एक्ट के बारे में, और जिस पर हमारी केंद्र सरकार ने जो है तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो है और एक तरह से नया अध्यादेश ला दिया है, जिससे पूरे समाज को बड़ी ही परेशानी है। और जो है आज भारत बंद का आह्वान भी किया गया है। हम अधिवक्ता सब मिलकर के जो है आज जो है ये एससी एसटी बिल जो संशोधन लाया गया है, हम उसका प्रबल विरोध करते। एससी एसटी एक्ट के अध्यादेश लाने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जिस प्रकार से सरकार ने निष्प्रभावी किया है, उसके विरोध में सवर्ण समाज और अधिवक्ता समाज विरोध करता है। साथ ही परिसर में एससी एसटी बिल की कॉपी और पीएम मोदी का पुतला फूंका। इस दौरान पुतला दहन से मना करने पर अधिवक्ता और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी हुई। पुतला दहन के बाद अधिवक्ताओं ने इस बिल की वापसी के लिए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता मौके पर मौजूद रहे। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ जंग।